Thank you.
तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद समस्त सज्जनों माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। अभी अभी हम लोग राधा कुंड की परिक्रमा में जाएंगे, सभी लोग तैयार हो जाए। माइक वाला लखराज माइक लेकर प्रस्तुत करो यहाँ, और गिरधर पाटी सभी यहाँ आ जाइए। যারা সমস্ত যাত্রীগণ এদিক ওদিক আছেন, বাঙালি যাত্রীগণ সকলে তৈরি হয়ে নাটক মধ্যে চলে আসবে। এখনই আমরা যাব, 5 মিনিটের মধ্যেই আপনারা সকলে তৈরি হয়ে আসুন, একদম দেরি করবেন না। নাও বিয়ার গোয়েন ভেরসন টু বাড়ি গ্রাম বিরাজ গোবর্ধন রাধা কুন্দ এভরি ওয়ান শুড বি রেডি প্লিজ কাম আর ইন নাটক মধ্যে বিয়ার গোয়েন আফটার 5 মিনিটস। हम लोगों का कई दिनों से जो कि राधा दामोदर राष्ट्र की ये पांच प्रवचन और क्लास चलता रहा, और गिरिराजी में आज करके हम लोग श्री गिरिराजी के विषय में वैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण करते रहे। तो राधा दामोदर राष्ट्र में ये वर्णन है, नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। जबकि सभी वैष्णवों ने इस विषय में बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी कथाएं की। आज हम लोग राधा जी की ओर जा रहे हैं, राधा कुंड की ओर। तो उसमें और देखिए कि नमो अनंत नमो राधिकाय तदीय प्रियाय सत व्रत में जबकि वे प्रार्थना करते हैं, पहले शांत वात्सल्य मधुर इन सभी भावों की उन्होंने प्रार्थना की, और उसमें मधुर रस की भी वर्णना करते हुए अंत में नमो राधिकाय तदीय प्रियाय चरणों में प्रणाम करते हैं। जो की तदीय प्रिया श्री कृष्ण की अंतरंग सर्व शक्ति लादिनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति विश्वभानु नंदिनी श्री राधा, और इनके साथ में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। एक तो लीला नहीं, कितने प्रकार की लीला, उसमें 24 घंटे में अष्टजाम की 8 प्रकार अष्टजाम की लीलाएं हैं। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ जो कि उनका प्रेम रस भाव रस आस्वादन करने के लिए समस्त प्रकार की लीलाएं करते हैं। सभी लीलाएं और सभी रस जो है वो मधुर रस के साथ में समाया हुआ है। राधा जी के उन्नत उज्जवल मधुर रस का आस्वादन करने के लिए सभी उनके लीला के उपकरण लीला का सहायक है। इस प्रकार देखा जाता है जबकि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार लीला करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथाओं में से भी वर्णन कर रहे थे, जबकि स्तुतियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना करती रहेगी, कैसे भी एक गोपी भाव में आराधना करती है, उन सभी वर्णन होता है। जय 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 राम अजित दोष कृमित गुणा हे अजी हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दोषों को कौन छोड़ सकता है, कौन तुम्हारे दोषों को मुक्त कर पाएगा, क्यों तुम तो समस्त दोषों से दोषी है ना। अजाम जगी अरे अजय को माया को तो छोड़ो, ये माया को साथ में लेकर के जो आप उस कारण समुद्र में शयन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत समय तक आपने शयन कर लिया है, शयन लीला हो गई, अब तो सृष्टि कार्य के लिए आप जागे। ये तो ऐसे जो पर श्रुतियों का स्तव है। दूसरी बात है कि ब्रजगोपियों में जो श्रुतियां गोपी भाव में आप इष्ट हो करके डूबी हुई है, कृष्ण की आराधना करती है, वे क्या करती है। बोले कि हे जया
हे महाराज हमारे समस्त गुण खिलाने के जो आप महात्मा हैं जो कि महारत्मय है समस्त गुणों के खान है शील स्वभाव आदि के द्वारा आप धीर ललित नायक है इसलिए समस्त प्रकार उत्कर्ष के साथ आप वर्तमान इसलिए हे प्रभु आपका जय जबकि आप श्री राधा जी के साथ निरंतर मधुर लीला विलास में ही डूबे रहते हैं और इसी से ही आपकी उत्कृष्टता है जब आप राधा जी के साथ में विराजमान होते हैं तब आपकी महा उत्कृष्टता और आप रसगण ब्रह्म है रसोभीष है तो इसलिए उनके साथ लीला विनोद करते हुए आपको हम देखना चाहती हैं यही हमारी आशा अभिलाषा है क्योंकि आप अजाम निद्रा से ही हे प्रभु आज रात्रि काल में पुण्य ले राधा जी के साथ विलास परायण हो करके शयन कर रहे हैं तो ये शयन कितना देर आप करते रहेंगे आप तो कम से कम शयन करने पर हम तो वही लीला नहीं देख पाएंगे जब आप याद करके प्रकट रूप में प्रत्यक्ष सबके सामने दृष्टिगोचर होंगे आप लीला विलास करेंगे तब आपकी उस लीलाओं का उन लीलाओं का हम दर्शन कर पाएंगे और उस लीला का भी आस्वादन करेंगे आपकी सेवा भी हम कर सकेंगे इसलिए हे प्रभु अजाम निद्रा यही आप इस माया को निद्रा को तो कहते हैं बोले जो आप चयन कर रहे हो तो जग जाए इस नींद को आप खो गए छोड़े भगवान को निद्रा की है क्या भगवान को कोई काम से निद्रा तो है नहीं जो कि जो माया सही व निद्रा सारे व निद्रा रूपा भगवान की जो योग माया है वही निद्रा रूपा योग माया है भगवान को कोई काम से निद्रा नहीं है प्रकृति के साथ निद्रा से काम से गुण नहीं है जो कि उनको शरीर में आलस्य प्रमाद के कारण थकान आ जाए ऐसा भी तो नहीं होता है 18 गुणों से या 18 प्रकार दोषों से अतीत है भगवान अतः उनमें कोई काम से इतना है तो निद्रा नहीं परंतु इस निद्रा में क्या करते हैं जो शयन लीला करते हैं तो उसमें वे क्या करते हैं कि स्वप्न में विहार करते हैं राधा जी और उस का अनुभव करके अपने आत्मानंद में विभोर हो जाते हैं इस प्रकार हे प्रभु आप उसे छोड़कर प्रकट रूप में बाहर में हमारे आमने सामने देखते हुए आप लीला विनोद करें और हम सबका आनंद वर्धन करें यही हम प्रार्थना करते हैं जिसमें हम आपकी सेवा कुछ कर सके नहीं तो इस समय तो इस लीला में कोई सेवा नहीं हो सकती है इसलिए मंगलारती की बात आई थी क्योंकि मंगला में मयूर सूर सारी आदि जितने भी पक्षी गण हैं वे सभी आपको जगाते हैं गोपियां भी जगाती प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप
इस मानिद्रा को जो कपट निद्रा है जान बुझ करके आप सहन कर रहे हैं, ऐसी निद्रा को आप कहते हैं। आप जागे, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे सामने आए, आप अपने मधुर लीलाओं को जो कि वचनामृत लावण्यामृत और सौंदर्यामृत ये सभी कुछ हमें पान कराए, जो लावण्य सौंदर्य की जो अमृत छटा है और मधुर मोहन चाहनी है, आपके भूभाग की कटाक्ष विलास और मधुर हास्य ये सब के साथ आप हमें अनुग्रह करें जो कि हमारे सामने आए। विशेषकर अतिशय अनुराग सौंदर्य वैदत्त आदि गुणों के द्वारा जो आप श्री राधा जी के साथ में निरंतर अवसान कर रहे हैं, इसी प्रकार तो वैदत्त आदि गुणों के द्वारा श्री राधा जी का आप सम्मत रूप से प्रतिपालन करते हैं, इसी तरह से उनके साथ आप लीला विनोद करते रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रति अनुग्रह करें। गोप्यंतर संग्रह सच्चा आप तो दूसरे गोपियों के प्रति भी आ सकते हैं, इसलिए उनके साथ रसविलास करने में आप चले जाते हैं, इसलिए हम सब को विरह रूप में निमंत्रित करते हैं, जाते हैं, जो कि हमें चिर विरहिणी नहीं बनाए, जन्म दुखिनी नहीं बनाए, जो कि हम आपके उस दुख को सहन नहीं कर सकते। राधा जी के विरह दुख को हम भी सहन नहीं कर सकते, क्यों हम तो राधा जी के भाव में भाव मिलाकर उनके साथ हम उनके अनुगत में आपकी सेवा करना चाहती हैं, इसलिए श्रुतियां कहती हैं राधा जी विरहिणी होती है वो दुखिनी होती है तो हम सभी दुख में भर जाती हैं। अतएव दूसरे गोपियों के पास दूसरों के पास जाकर राधा जी को विरह समुद्र में नहीं जाने, जैसे हमारे गुरुवर्ग का कहना है कि जनत से जनत जीवा में सेवा में थाके आमित राधे का पक्ष पाती सदा तो नही है रीता के, हम तो राधा जी की पक्ष पाती है, इसलिए हम दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते। आप कहीं भी जाए, कहीं किसी से लीला विलास करें, कहीं प्रेम रस का आस्वादन करें, भले ही हुआ रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं आप राधा जी के साथ में लीला विनोद करें और उनके साथ में आप विराजमान हो और उस विलास और सेवा परिचर्या का आनंद हम अनुभव करें, इसलिए नाहमे तदन्य कदापि रमयति। हे प्रभु, हम तो नहीं चाहते हैं कि आप दूसरे किसी के साथ में लीला विनोद करें, फिर भी आपको अजीत दोष, आप अपने दोस्त को कभी जीत सके हैं क्या? कभी नहीं जीत सके, क्यों? संसार को जीत लिया, संसार का कोई भी व्यक्ति आपको जीत नहीं सकता, कोई आपको बस नहीं कर सकता, पर अपने दोस्तों को आप जीत नहीं सकते। बोले कैसा दोस्त है? खुशी का बड़ा कि अन्नस्त संग और शक्त दोष तैयार न जीतो, पर आए स्त्री जाने दूसरे दूसरे गोपियों के साथ में जो मिलन जनित आनंद है उस दोष को आप छोड़ नहीं पाए, कभी आप छोड़ नहीं पाए, क्यों? बहु नायिका बल्लभ, बहुत से नायिकाओं के आप बल्लभ है, इसलिए आपके अंदर जो दोष है इस दोष को आपने कभी दोष से आप मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए हे अधिक दोष कभी तक गुणा आपने अपने में ही दोष, जैसे चंद्र में कवित है ऐसे आपने अपने शरीर में भी दोषों को लगा लिया, सब गोपियों के पास चले जाते हैं, प्रभु आप ऐसा नहीं करें, आप तो कम से कम राधा जी के साथ लीला विनोद करें, हम आपको वही दर्शन करना चाहते हैं, अभी हम लोग राधा कुंड की ओर चल रहे हैं राधा जी के स्थान पर, इसलिए और अधिक नहीं कह करके हम चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने साथ हो गया।
Now we are going to welcome after